क्या भारत में पोर्नोग्राफी देखना लीगल है या फिर इलीगल है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसके साथ में ही हम लोग देखेंगे कि केरला हाई कोर्ट का हाल ही में एक वर्डिक्ट आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिकली अपने मोबाइल के अंदर पोर्नोग्राफी को देखता है तो ये एक उसकी प्राइवेट चॉइस है, अगर वो देखता है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। वाकई में ये वर्डिक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे कि भारत के अंदर कानून कौन कौन से हैं जिसके तहत अगर कोई भी पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करता है तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई की जा सकती है। क्या वाकई में पटना रेलवे स्टेशन के ऊपर जो 3 मिनट की क्लिप चलाई गई थी वो कोई ऑफेंस था, बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं केरला हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। केरला हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बात करूं उससे पहले एक छोटा सा कंसर्न है, एक छोटी सी बात है, वो ये है हाल ही में केरल के अंदर रोड साइड पर एक व्यक्ति जो है वो अपने मोबाइल फोन के अंदर पोर्नोग्राफी को देख रहा था। इसके बाद में पब्लिकली जो है वो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर देखना शुरू किया गया और एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। जैसे एफआईआर दर्ज की तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, मामला पहुंचा कोर्ट तक और कोर्ट ने जो है उसको रिलीज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर प्राइवेट चॉइस के साथ में अगर पोर्नोग्राफी को देखता है तो ये उसका एक कंसर्न है, इस पर कोई भी ऑफेंस नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 की, जिसमें वो अपने एक्टिविटीज को लेकर हमेशा स्वतंत्र रहता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसको आर्टिकल नंबर 21 के तहत मिलती है। कोर्ट ने यह भी जिक्र किया कि अपने इंडियन पिनल कोड के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 292, 293 एंड 294। अगर कोई व्यक्ति जो है वो पोर्नोग्राफी को देखता है और उसको सर्कुलेट करता है तो इस कंडीशन में वो एक अपराध माना जाएगा। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो वो अपराध नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी को देखकर पब्लिकली कोई एक्ट करते हैं तो वो एक अपराध है। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं, देखने के साथ साथ में ही अगर आप उसको सर्कुलेट करते हैं तो वो भी एक अपराध माना जाता है। आप पोर्नोग्राफी को देखते हैं लेकिन आपके मोबाइल फोन के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर ऐसी कोई पोर्नोग्राफी है जो कि महिला अत्याचार से जुड़ी हुई है तो भी आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो ये तो है पूरी की पूरी बात, लेकिन हम लोग भारत के कुछ आंकड़े जो है वो देखना चाहेंगे। सबसे पहले कुछ आंकड़े जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर देखिएगा कि पोर्नोग्राफी इंडिया के अंदर अगर हम लोग किसी भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो जहां पर धड़ल्ले से यूज होता है पोर्नोग्राफी का, उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। हाल ही के अंदर मैं जिक्र करना चाहूंगा 22 अगस्त 2023 का, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि अब से अगर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर या फिर मूवीज के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट आता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में ही जो है उसको रिलीज किया जाएगा। चेतन भगत ये कहते हैं कि पोर्नोग्राफी जो है उसको बैन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बैन किया जाए, रेप की जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोका जाए। पोर्नोग्राफी अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर भारत की जो रैंक है वो है 15वीं रैंक। अगर विश्व में हम लोग नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद में है फिर जापान है, उसके बाद में फिर आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर है कनाडा और फिर है फ्रांस। तो भारत का जो नंबर है वो है 15वें नंबर पर, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है वो भारत के अंदर अब पोर्नोग्राफी को जो है वो देखा जा रहा है, रैंक जो है वो थोड़ी सी और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये बेसिकली कंसर्न है। अगर हम लोग भारत में बात करें तो आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर कोई भी ऐसा कंटेंट पाया जाता है पोर्नोग्राफी कंटेंट जिसमें चाइल्ड अब्यूजिंग है और इसके साथ में ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो वो जो है वो आपके लिए इलीगल है। इसके साथ में ही सेक्शन नंबर 292, 293, 294 ये कहता है कि अगर आप उसको सर्कुलेट करते हैं तो वो भी एक जघन्य अपराध जो है वो माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं पटना रेलवे स्टेशन के ऊपर 3 मिनट की जो क्लिप चलाई गई थी उसके ऊपर आते हैं। वो जो क्लिप चलाई गई थी वो बेसिकली वहां पर सर्वर रूम के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि अपने मोबाइल के अंदर उस क्लिप को देख रहा था, खासतौर पर जो डैशबोर्ड लगा हुआ था वहां पर देख रहा था, लेकिन वो उससे कनेक्ट हुआ, सर्वर से कनेक्ट हुआ और सभी जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म है वहां पर वो चलना शुरू हो गई। अगले 3 मिनट तक वो क्लिप चलती रही, सभी लोगों ने देखा और इसके तहत ही वो जो कंपनी थी जिसको टेंडर दिया गया था, पूरा का पूरा टेंडर दिया गया था, उसको जो है वहां से हटा दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भारत में इसके लिए कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। अगर हम लोग कानूनों की बात करें तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन मैंने आप लोग को बताए हैं 292, 93 और 94। पॉक्सो एक्ट जो है 2012 के अंदर बनाया गया था, अगर कोई भी चाइल्ड अब्यूज होता है, माइनर के ऊपर कोई भी अब्यूज होता है तो इसके तहत कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। अगर हम लोग बात करें आईटी एक्ट 2000 की,
उसमें कोई भी अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोर्नोग्राफी का कंटेंट अगर शेयर होता है तो उस समय लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो केरला हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप अपने मोबाइल के अंदर प्राइवेटली पोर्नोग्राफी जो है देख सकते हैं, पब्लिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एक प्राइवेट चॉइस जो है वो हो सकती है, इसको लेकर कोई भी जो है वो आपत्तिजनक नहीं है। इसीलिए भारत के अंदर बहुत ज्यादा जो है पोर्नोग्राफी देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लीगली जो है इसको यानी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि आखिरकार जो है इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, हमें लिटरेसी रेट जो है ना, लिटरेसी तो है हमें लेकिन डिजिटल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिटरेसी गैप होना। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।